So hi everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the channel. My name is Manish Mishra and I'm your mentor for regulatory bodies examination. So I believe aap sabne ek line zarur suni hogi ki hame dusron ki galtiyon se seekhna chahiye. We should learn from others mistakes. But generally hum aisa karte nahi hai. Hum jab tak kuwe mein nahi koodte tab tak hame nahi pata chalta ki wo kitna gehra hai, right? Jab tak hame dusra koi bata raha hota hai na, hum us pe vishwas nahi karte. We do not trust anyone. राइट सो ठीक है. तो आज की इस वीडियो में हम ना ऐसी ही कुछ बातें करने वाले हैं. दिस विल बी एन आई ओपनर फॉर 2024 एस्पिरेंट्स. राइट एक्चुअली आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट मिस्टेक डिड द 2023 एस्पिरेंट्स कमिट विच कॉस्टेड देम देयर एग्जामिनेशन. हाउएवर हम इसमें फेज टू की भी बात करने वाले हैं. फेज टू के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं लेकिन फेज वन के रिजल्ट आ चुके हैं. वी ऑल नो फेज टू भी हो चुका है. तो फेज वन में कुछ लोग जिनका नहीं हुआ उनसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, ठीक है. एंड दिस आई एम टेलिंग यू विद आफ्टर टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स ओनली. उनसे बात करके ही मैं आपको बता रहा हूं. ऐसे हवा में तीर में नहीं मार रहा. ऑलराइट एंड यस दीज आर जेन्युइन मिस्टेक दैट दे हैव कमिटेड एंड एवरी ईयर एवरी स्टूडेंट कमिट्स यू नो दीज मिस्टेक्स, ठीक है. सो इससे पहले कि आप भी उस फेज में आओ उन गलतियों को करो. सो लेट अस लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स which the previous candidates have committed और हम उनको ignore करने की avoid करने की कोशिश करें, ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं number one, the mistake. देखो when the 2023 notification came our entire team was regularly saying this thing that this time for phase one also you have to cover all the three magazines, that is spotlight plus PIB 247 and plus RBI 247, ठीक है. हम शुरू से ही आपको बोल के चल रहे थे. जैसे ही सिलेबस आया था, नया नोटिफिकेशन में नया सिलेबस आया था, वी वर टेलिंग दिस कंटिन्यूअसली दैट स्पॉटलाइट RBI 247 एंड PIB 247 ऑल थ्री मैगजीन्स हैव टू बी डन फॉर बोथ फेजेस, फेज वन एंड फेज टू. बट कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, कुछ ओवर स्मार्ट होते हैं, वो सोचते नहीं ये तो पागल है, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है, हम तो केवल स्पॉटलाइट पढ़ के जाएंगे या फिर कोई भी एक चीज हम पढ़ के जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा. तो उनकी हालत इस भाई साहब के जैसी हो गई. बिकॉज इन फेज वन एग्जामिनेशन ओनली, इन शिफ्ट टू देयर वर थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम आरबीआई एनुअल रिपोर्ट एंड दैट वाज टू, ऑल दोस क्वेश्चंस वर टू डीप. ऐसा नहीं था कि वो स्पॉटलाइट पढ़ के या बेसिक करंट अफेयर्स पढ़ के हो जाएगा. उसके लिए आपको डिटेल में फाइनेंस करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे. सिमिलरली 2022 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट स्कीम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे एंड फॉर दैट यू हैव टू कवर पीआईबी 247. सो व्हाट मिस्टेक दैट दे हैव कमिटेड, दे वर जस्ट फोकस्ड ऑन स्पॉटलाइट एंड दे वर नॉट फोकसिंग ऑन पीआईबी 247 एंड आरबीआई 247 फॉर फेज वन, ठीक है. उन्होंने सोचा कि हम फेज टू में कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. भाई देखो फेज वन और फेज टू में टाइम ही कितना होता है. सो यू हैव टू कवर ऑल द थ्री मैगजीन्स फॉर बोथ द फेजेस, फेज वन एंड फेज टू. अभी लास्ट पीआईबी की वीडियो में भी किसी स्टूडेंट ने एक डाउट पूछ रखा था कि क्या हमें पीआईबी और आरबीआई 247 फेज वन के लिए भी करना है. माय डियर फ्रेंड, यस यू हैव टू डू ऑल दीज थ्री मैगजीन्स फॉर बोथ फेज वन एंड फेज टू. नाउ फॉर दोज हु डोंट नो विच व्हाट आर दीज स्पॉटलाइट, पीआईबी 247 एंड आरबीआई 247. स्पॉटलाइट इज अ मंथली मैगजीन विच कवर्स द करंट अफेयर्स, ठीक है, द बेसिक करंट अफेयर्स विच इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द वेबसाइट. पीआईबी 247 इज conducted by me, the sessions are conducted by me on YouTube, the monthly and weekly PDFs are provided in the course. This covers the PIB, Press Information Bureau website, which is the most authentic website of the Government of India's releases. And then what is RBI 247, this is the, these are the sessions conducted by Karnima ma'am, and here she provides the lectures regarding all the RBI releases and all the finance newspapers. ठीक है, तो ये सब आपको करके जाना है. प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक कि मैंने तो स्पॉटलाइट कर ली है, मैं तो जियो को फोड़ दूंगा. नहीं होगा, तीनों करना पड़ेगा. मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है जी. नेक्स्ट द मिस्टेक नंबर टू. देखो हम सब जानते हैं, इवन दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने ये गलती करी है उन्हें भी पता था दैट क्वांट एंड रीजनिंग आर वेरी डिफिकल्ट. एंड दिस टाइम इन 2023 रीजनिंग ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है. रीजनिंग हैज डन अ वेरी बिग ब्लंडर. How, let me tell you. तो हम सबको बताया that quant and reasoning are very difficult since last 3 years, 2021 से शुरुआत हुई कहानी difficult होने की.
then 2022 was also difficult and 2023 was also difficult. ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आई? हमने सोच लिया डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, हम जीए में ओवरऑल कट ऑफ स्कोर करेंगे जीए के थ्रू, और क्वांट और रीजनिंग की हम सेक्शनल कट ऑफ तो निकाल ही लेंगे चाहे कितना भी मुश्किल आए, ये हमने सोचा. ठीक है, 2023 के कुछ एस्पिरेंट्स ने ये बात सोची कि ठीक है जीए पे हम, जीए से हम ओवरऑल कट ऑफ निकाल लेंगे, वी विल यू नो विल बी एबल टू सिक्योर द ओवरऑल कट ऑफ थ्रू द हेल्प ऑफ जीए, वेयर वी विल इजिली स्कोर अराउंड लेट्स से 40 मार्क्स. एंड उसके बाद क्या बच गया? उसके बाद क्वांट एंड रीजनिंग में तो वी जस्ट हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ और वो तो हो ही जाएगा, बट ऐसा कुछ लोगों के साथ नहीं हुआ. व्हाई? बिकॉज दे इग्नोर्ड क्वांट एंड रीजनिंग, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी जितनी रिक्वायर्ड प्रैक्टिस थी. तो इवन फॉर सेक्शनल कट ऑफ भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, यू हैव टू वर्क हार्डर फॉर सिक्योरिंग इवन सेक्शनल कट ऑफ इन क्वांट एंड रीजनिंग. दिस मच इज द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन दिस डे. आई हैव अ मार्कशीट ऑफ अ स्टूडेंट हु हैज सिक्योर्ड 95 मार्क्स. 95 मार्क्स है भाई साहब के, लेकिन उनकी रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं. सो यू कैन इमेजिन हिज लेवल ऑफ प्रिपरेशन. मे बी इनके साथ कुछ और फैक्टर्स रहे हो, बट ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कि उनका ओवरऑल कट ऑफ क्रॉस हुआ है बट दे डिड नॉट क्लियर द रीजनिंग सेक्शनल कट ऑफ. एंड द रीजन आई बिलीव फॉर दिस इज ओनली दिस दैट दे हैव इग्नोर्ड क्वांट एंड रीजनिंग. और ये एक जनरलाइज रीजनिंग है, मे बी देर आर सर्टेन अदर रीजन. आप में से हो सकता है कुछ और रीजन हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्वांट एंड रीजनिंग को हम इसी एटीट्यूड के साथ लेके चल रहे हैं कि हमें तो बस सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है, हम निकाल देंगे एनी डे. हम तो साइंस बैकग्राउंड से, हमारी मैथ्स बहुत तेज है, बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई. बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में. ठीक है, सो प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक. प्लीज डू नॉट इग्नोर क्वांट एंड रीजनिंग. इवन सेक्शनल कट ऑफ इज डिफिकल्ट टू क्लियर इन आरबीआई ग्रेड बी. एंड मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आई एम नॉट स्कैरिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ. Okay, the mistake number three that you should not do, mistake number three जो आपको नहीं करनी है. कुछ लोगों का के दिमाग में चलता है कि यार जब तक फेज वन क्लियर नहीं होगा तब तक मैं क्यों पढ़ूं भाई फेज टू के लिए. ठीक है, एंड सम ओवर स्मार्ट्स आर ऑल्सो देयर जो कि अभी भी ये गलती कर रहे हैं. 2024 के लोगों की मैं बात कर रहा हूं. प्लीज डू नॉट डू दीज मिस्टेक्स ब्रो, बिकॉज इस बार क्या हुआ है, केवल 10 days, there were only 10 to 11 days were there after phase 1 results. फेज वन रिजल्ट के बाद फेज टू एग्जामिनेशन के लिए केवल 10 से 12 दिन थे. सो डू यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ फेज टू अलोंग विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल. एंड आई वुड से दैट इफ यू गिव 2 months ऑल्सो, 2 महीने में भी पूरा फेज टू का सिलेबस अलॉन्ग विद राइटिंग प्रैक्टिस इज नॉट पॉसिबल. यू नीड टू गिव अ सिग्निफिकेंट टाइम टू इट. ठीक है ना, पूरा आपको उसको रिक्वायर्ड टाइम देना पड़ेगा. अक्षय कुमार की तरह आपको इंपल्सिव नहीं होना है कि भाई 21 दिन में पैसा डबल तो उसके फिर अक्षय कुमार वाली हालत हो जाएगी आपकी. सो प्लीज डू नॉट डू दैट. फेज वन प्लस फेज टू, इफ यू आर अ 2024 एस्पिरेंट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोथ फेज वन एंड फेज टू. एंड जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद यू गाइस कैन यू नो एग्जाम फेज वन से 1.5 महीना या 2 महीना पहले यू गाइस कैन कीप असाइड the phase 2 part and then you can only focus on phase 1. But abhi for now you have to focus on both the phases, phase 1 and phase 2. ye galti mat karna ki hum phase 2 ko baad mein kar lenge, ho jayega, aisa kuch bhi nahi hai, nahi ho payega. And here phase 2 preparation means descriptive answer writing practice as well. theek hai, wo bahut important hai kyunki objective mein to kya hota hai na ki sometimes jaise esi mein is baar hua, pichli baar bhi hua tha, ठीक है, तो वहां पे कोशिश हमें ये करनी होती है दैट वी शुड ट्राई टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन. एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट. अच्छे आंसर नहीं लिखोगे, कूड़ा लिख के आओगे तो कूड़े ही नंबर मिलेंगे. ऑलराइट, दिस वाज मिस्टेक नंबर 3. व्हाट वाज द मिस्टेक नंबर 4? देखो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ऑल्दो दिस वॉज अ सरप्राइज, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये आउटराइटली मिस्टेक थी स्टूडेंट की. ठीक है, बट अगर ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाए रिपोर्ट से तो वहां पे उनकी मिस्टेक थी. लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था एंड जो 2023 के लोग हैं उनको बताई गई थी ये बात कई बार दैट यू गाइस हैव टू फॉलो, यू गाइस हैव टू कवर ऑल द मेजर रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल द मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD, WHO,
WTO इन सबका जो भी मेजर रिपोर्ट है वो आपको करके जाना है, ठीक है। ESI में चार क्वेश्चन दो नंबर के, एक ही रिपोर्ट से आते हैं बट चार क्वेश्चन दो नंबर के, विच मीन्स 8 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन अगर सिर्फ एक टॉपिक से आ रहा है रिपोर्ट एंड इंडाइसेस से, तो यू कैन रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। हाउएवर देयर वाज अ सरप्राइज इन 2023 एंड दैट सरप्राइज वाज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 15 मार्कर्स, ऑल द 3 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द रिपोर्ट। एंड ये इसमें मैं किसी की गलती नहीं बोलूंगा, किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी स्टूडेंट की, दिस वॉज अ सरप्राइज। बट Here 2024 aspirants can learn that they can ask anything in descriptive part. Tomorrow you don't know they are going to ask any particular scheme and they ask you to define the objectives, successes, vagaira vagaira, all the things about that scheme. This year they asked question from scheme ki at least koi bhi 3 schemes ko ke bare mein discuss karo regarding poverty and unemployment and employment generation. You don't know next year they become very specific and ask only about a particular scheme ki bhai chalo mission vatsalya ke bare mein batao, ya explain in brief about mission shakti, explain in brief about sovereign gold bond scheme, so that would be a very difficult thing, theek hai. Like this year report wale question, very difficult questions were there. So here there is a learning from 2023 paper ki hame sab kuch bahut detail mein padh ke jana hai. ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा बॉस, राइट? ऊपर ऊपर से पढ़ने का काम नहीं चल पाएगा। वी नीड टू गो इनटू द डिटेल्स व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है जी, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत कुछ डेयरिंग करना होता है अपने जीवन में, तो वो डेयरिंग करने के चक्कर में क्या करते हैं, बिना कॉम्प्रिहेंसिव मॉक लगाए चले जाते हैं पेपर में, ठीक है। अभी मेरी कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट से बात हुई थी, व्हाट ही टोल्ड मी दैट ही यूज, यू नो देवर 3 friends, एक्चुअली दे आर थ्री फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम वर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, ठीक है। द पर्सन विच आई विद हुम आई टॉक, ठीक है, ही यूज टू टीच द अदर 2 people, ठीक है। देन व्हाट आर द रिजल्ट्स, द अदर 2 people क्लियर द एग्जामिनेशन एंड द पर्सन विद हुम आई वॉज टॉकिंग ही डिड नॉट क्लियर इट। You know what is the reason? There is only one reason. ठीक है, क्या reason है उसके पीछे? कि जिनसे मैं बात कर रहा हूं, जिनकी मैं बात कर रहा था, what he did? He used to give only the sectional test, which means कि ठीक है, quant के लिए 25 minutes मिलते हैं, okay, quant के लिए 25 minutes का test लगा लिया। रीजनिंग के लिए 25 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है, एक अलग से उसने 25 मिनट्स का रीजनिंग का टेस्ट लगा लिया। जीए के लिए 25 मिनट्स मिलते हैं, अगेन उसने लगा लिया। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद दिस गाय ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन दैट ही वाजंट एबल टू सिट इवन फॉर 2 hours कंटिन्यूसली टू सॉल्व द एंटायर पेपर। वो 2 घंटे बैठ ही नहीं पाया कि वो पूरा पेपर कर पाए, एंड इस वजह से उनका फेज 1 में नहीं हुआ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट, पूरा 2 घंटे एग्जाम के टाइम के हिसाब से आपको बैठ के कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट करना है। एंड वन मोर थिंग दैट आई लाइक टू एडवाइज हियर, प्लीज डू नॉट गो फॉर ओनली 1 institute's मॉक टेस्ट। सी आई एम ऑल्सो, यू नो, वी आर ऑल्सो रनिंग एन इंस्टीट्यूट एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी प्रोवाइड गाइडेंस टू आरबीआई ग्रेड बी पीपल। बट अगेन मैं भी आपसे ये जरूर बोलूंगा कि कम से कम एटलीस्ट 2 institute's के मॉक टेस्ट करके जाओ। वाई आई एम सेइंग दिस, because let's say you are solving 10 mock test of our organization, our team, then after 3 or 4 mock test what will happen, you will be able to, you know, aapko samajh bhi aane lag jayega, you will be able to understand, okay, jo question banane wala hai na aap uska dimag pad loge aur aapke answers sahi hone lag jayenge, theek hai, to aapko pattern samajh mein aane lagega, so you will be able to understand the pattern of that institute's mock test, so that उससे क्या होगा कि एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। सो एटलीस्ट 2 institute's के मॉक टेस्ट आपको करके जाने, ठीक है जी। तो दीज वर द 5 mistakes फ्रॉम विच गाइज वी शुड लर्न समथिंग, एंड आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड वॉर्न यू दैट प्लीज डू नॉट रिपीट दीज मिस्टेक्स। अगर हमें मौका मिला है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें, या अगर हमें मौका मिला है कि हम 1 साल बाद पेपर दे रहे हैं, या अगर हमें मौका मिला है कि हमारी लाइफ में कोई इवेंट हुआ है, हम उससे कुछ सीखें, देन व्हाई शुड वी नॉट लर्न फ्रॉम दैट इवेंट, व्हाई शुड वी नॉट लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स।
All right. So that is all which I wanted to discuss. And yes, we have launched 2024 complete course. The classes will start from 16th of August. 16 August se live classes shuru ho rahi hai for all the subjects. For all the subjects, live classes will start from 16th of August. All right. So if you want to enroll in it, or if you want to have any other guidance, enrollment ki baat chodo, guidance ki baat karo, you can call on this number 9999466225. All right. So chalte hain fir, milenge kisi agle session mein kuch aur baaton ke saath. Till then, keep studying and keep studying hard. Goodbye. Take care. And God bless.